Hi guys, wish you a very very good evening. This is me, Ashu Joshi, and you are watching me on the channel of Achieve IAS. So here it is 22nd of October 2020 and we are going to take today's the Hindu news analysis. तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आज का जो एनालिसिस है वो हम थोड़ा सा लेट डाल रहे हैं, और आज से हमारा जो एनालिसिस है वो अप्रॉक्सीमेटली 5 o'clock तक आपको अवेलेबल होगा हमारे चैनल पे. शार्प 5 o'clock यू विल गेट आर न्यूज़ एनालिसिस, सो दैट यू कैन गो थ्रू एवरी इंडिविजुअल एस्पेक्ट ऑफ द न्यूज़पेपर. आपको पता है द हिंदू न्यूज़पेपर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो मॉर्निंग में अपडेट करने के साथ हम लिंकेजेस या अदर जो हम कह सकते हैं कि अदर एक्स्ट्रा स्टाफ जो है वो ऐड नहीं कर पाते हैं. बट स्टिल वी आर थिंकिंग टू गो थ्रू अ प्रोसीजर जिसके अंदर हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे. हम एनालिसिस को मॉर्निंग की जगह पे अब इवनिंग 5 o'clock अपलोड करेंगे, जिससे कि मैक्सिमम लेवल पे आपको न्यूज़ विद दिस सेक्शंस. आज से आपको जो भी न्यूज़ एनालिसिस मिलेगा, आज तो जैसा कि COVID-19 से रिलेटेड ही न्यूज़ थी सारी, कोई इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, तो हम एडिटोरियल्स लेंगे और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है वो देखेंगे एक बार. इसके अलावा मैं आपको ये बता देती हूँ कि कल से आपको पॉलिटी सेक्शन अलग से मिलेगा एनालिसिस में, इकोनॉमिक्स अलग से मिलेगा, जियोग्राफी से रिलेटेड न्यूज़ अलग मिलेगी, और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूज़ है वो इंपॉर्टेंट मिलेगी, अलग न्यूज़ मिलेगी. इसके अलावा एडिटोरियल सेक्शन की जो न्यूज़ है या एडिटोरियल्स जो है उनको हम डिफरेंटली जो है डिस्कस करेंगे. ये सब एक ही वीडियो में अवेलेबल होगा, वीडियोस अवेलेबल अलग अलग नहीं होंगे, एक ही वीडियोस में सारी चीज़ें अवेलेबल होगी, एंड यू विल गेट एवरीथिंग इन इंडिविजुअल वीडियो. और आपको कोई जीएस पेपर्स में उलझने की या अदर जो है एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, या आपको जो कह सकते हैं डिवीजन करने की या न्यूज़ को जो है डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है. आपको इंडिविजुअली न्यूज़ ही जो है सेक्शन वाइज मिलेगी, और डिवीजन हो रखा मिलेगा आपको वीडियो के अंदर, है ना. तो इकोनॉमिक्स न्यूज़ से रिलेटेड जो भी न्यूज़ बनती है वो हम अलग से लेंगे, और जो आपके लिए अच्छा, ये सारा करने का जो रीज़न है उसका रीज़न सिर्फ ये है कि आपको जो नोट्स बनाते हैं आप द हिंदू के वो ईजी हो जाएगा, और न्यूज़ पेपर फाइंड आउट करने की या न्यूज़ देखने की आपको ज़रूरत नहीं है. न्यूज़ पर देखने की आप एनालिसिस से ही सारी चीज़ें देख सकते हैं कि क्या न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आपके एक एनालिसिस में कवर हो जाएगी. ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, और आगे हम जो और देखिए, आज तो इनिशिएट किया है हमने, तो हो सकता है आपको मैक्सिमम, क्योंकि आज न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, और तो हो सकता है आपको मैक्सिमम न्यूज़ ना अवेलेबल हो पाए, लेकिन कल से हम डिफरेंट सेक्शंस के अब तक के शाम को 5 बजे तक की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है ऑफ द डे द हिंदू से लगा करके शाम को 5 बजे तक की जो भी न्यूज़ होती है वो सारी न्यूज़ आपको इस वीडियो में अवेलेबल होगी. ठीक है, बट ओनली दोज न्यूज़ जो कि आपके UPSC के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस. तो सबसे पहले हम एडिटोरियल सेक्शन लेंगे. द फर्स्ट एडिटोरियल सेक्शन इज़ बेस्ड ऑन अ क्रूशियल सीजन. इट इज़ बेस्ड ऑन फेस्टिवल्स इन द टाइम ऑफ COVID-19. अब COVID-19 का जो टाइम चल रहा है, इस दौर में, इस समय में फेस्टिवल्स का क्या सीन है, आप सभी को पता है फेस्टिवल के ऊपर अगर फेस्टिवल्स को एज यूजुअल रूटीन की तरह अगर सेलिब्रेट किया जाता है तो डेफिनेटली वी विल गो थ्रू अ ह्यूज स्पाइक, और आई कैन से अ शॉकिंग स्पाइक इन COVID-19 केसेस. तो उस स्पाइक अप को रोकने के लिए हमने कुछ मेजर्स फॉलो किए, जैसे कि आपको पता है कि नवरात्रि चल रहा है, नवरात्रि के सीजन के अंदर ऑलरेडी जो दुर्गा जी की पूजा जो होती है, या जो वेस्ट बंगाल में जो पूजा होती है कलकत्ता वगैरह चेन्नई वगैरह में, वो अल्टीमेटली अभी एज ऑफ नाउ स्टॉप कर दी गई है. उससे रिलेटेड जितने भी पांडाल्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी प्लेसेस हैं, स्पेशल मंदिर्स हैं रिलेटेड टू गॉडेस लक्ष्मी और गॉडेस व्हाटएवर आई कैन से, ओके, तो गॉडेसेस से रिलेटेड जो भी मंदिर्स हैं या टेंपल्स हैं, तो उन सभी टेंपल्स को अभी एज ऑफ नाउ दिस नवरात्रि जो है ये अभी जो है स्टॉप कर रखा है, उसको बैन कर रखा है, कोई भी विजिट नहीं कर सकता. इवन जो लोग पांडाल में वर्क कर रहे हैं वो 9 days फर्स्ट टू 9th डे तक वही वर्क करेंगे, उनकी जो लिस्ट है वो पांडाल के बाहर स्टिक हो जाएगी, है ना, तो जिससे कि कोई चेंजेस ना नजर आए. तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम किया गया, ये क्यों किया गया, क्योंकि ऑलरेडी जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं उस तरीके की उस सिचुएशन को देखते हुए हमें कहीं ना कहीं अवेयर होने की ज़रूरत है. और जैसा कि हमारे जो हम कह सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे ये एक आइडिया लगाया गया एक्सपर्ट्स द्वारा कि जिस तरीके के इंडिया में केसेस अभी नज़र आ रहे हैं, जिस तरीके से हम सेप्टेम्बर में ऑलरेडी स्पाइक देख चुके हैं, मतलब ह्यूज लेवल ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेज ऑलरेडी हम सेप्टेम्बर में देख चुके हैं, इस कंडीशन को अगर कंटिन्यू रखा जाता है, जिस तरीके की कंडीशन अभी चल रही है,
अगर ये कंडीशन कंटिन्यू होती है तो फैब तक जाते जाते मिनिमम नंबर ऑफ केसेस होंगे, तो मिनिमल केसेस को लाने के लिए, मिनिमल नंबर ऑफ केसेस जो है वो सामने आए, इसके लिए हमें अभी अवेयरनेस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस कैलकुलेशन के अंदर एक्सपर्ट्स ने किसी भी लेवल पे फेस्टिवल्स को इंक्लूड नहीं किया है ना। तो फेस्टिवल के चलते किस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, क्या सेफ्टी फॉलो करनी चाहिए, क्या मैसेज दिया गया है लोगों को हेल्थ से रिलेटेड फेस्टिवल दौर के अंदर कोविड-19 के इस दौर में, फेस्टिवल्स जो अपकमिंग फेस्टिवल्स है, बहुत सारे फेस्टिवल्स है ऑलरेडी, नवरात्रि इज गोइंग ऑन, देन ईद एंड देन सो मैनी फेस्टिवल्स आर हेयर, दिवाली एंड ऑल, सो इन सब एंड अल्टीमेटली देयर विल बी द क्रिसमस ऑल्सो। तो ये सारे फेस्टिवल्स जो है इनको जहाँ पे फुल गैदरिंग होती है, जहाँ पे मैक्सिमम लेवल ऑफ नंबर ऑफ लोग जो है इकट्ठे होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें स्टॉप करने की ज़रूरत है, और उसके लिए हमें कौन से मेजर्स फॉलो करने हैं, ये सारे मेजर्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्पीच के अंदर बताए हैं, है ना। तो मैं आपको बताती हूँ, पब्लिक हेल्थ मैसेजिंग मस्ट कन्विंस पीपल दैट फेस्टिवल्स कैन बी सेलिब्रेटेड सेफली। ये ज़रूरी है कि पब्लिक हेल्थ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये स्प्रेड किया जाए कि कैसे उन्हें फेस्टिवल्स को बहुत ही सेफली मैनेज करना है या सेलिब्रेट करना है। फेस्ड विद अ पोटेंशियल रिवर्सल ऑफ गेंस दैट इंडिया हैज़ मेड इन स्लोइंग द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अपील्ड अगेंस्ट वीकनिंग द फाइट ड्यूरिंग द एनुअल सीजन ऑफ फेस्टिवल्स। हम जिस तरीके से लड़ते चले आ रहे हैं 8-9 महीने की जो जंग है, कहीं उस जंग के ऊपर फेस्टिवल पर हमारा जो हम कह सकते हैं लापरवाही है, या हम जो केयरलेसनेस शो कर देते हैं कई बार, तो वो फेस्टिवल्स का जो क्रेज़ होता है वो कहीं ना कहीं हम पे भारी पड़ सकता है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये अपील की है कि जिस तरीके से हम अब तक लड़ते आए हैं इस जंग को, उस तरीके से कंटिन्यू किया जाए, और एनुअल सीजन ऑफ फेस्टिवल्स के अंदर हमें अल्टीमेटली वी शुडंट वीकन आर सेल्फ रिगार्डिंग कोविड-19 फाइट। ओके, एंड ओवर द पास्ट 6 months न्यूमेरियस इंडिविजुअल इवेंट्स हैव एनेबल्ड द इन्फेक्शन टू एक्सप्लोड एंड स्प्रेड। आपको पता है पिछले 6 महीने के अंदर बहुत सारे ऐसे सीजन्स, बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स, बहुत सारे ऐसे जो हम कह सकते हैं डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं जो बहुत धूमधाम से किए जाते हैं, लेकिन पिछले 6 महीनों में बहुत सारे ऐसे केसेस निकले हैं जिन्हें बिल्कुल शांत माहौल के अंदर या बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे जो है सेलिब्रेट किया गया है, इवन नहीं भी किया गया, ऐसे डेज भी निकले, बिकॉज कहीं ना कहीं सेलिब्रेशंस, फेस्टिवल्स, डेज आर हेयर ओनली, बट कोविड-19 शुड हैव टू बी पास्ड। ओके, एंड टू वी कैन से टू बी अवेयर एंड टू बी सेफ रिगार्डिंग कोविड-19, वी नीड टू बी अवेयर इन ऑल दीज फेस्टिवल सीजन्स। ओके, बिकॉज मास्क अप करना ज़रूरी है, कम्युनिकेशन कैंपेन भी लॉन्च किया जाएगा 8 अक्टूबर को, एंड इट विल बी अपॉन, इट इज़ अ समथिंग लाइक मास्क अप कैपिटल, मास्क अप कॉल, एंड इट विल डेफिनेटली बी बेसिकली वॉट इज़ वरीड अबाउट, इट इज़ वरीड अबाउट दैट नवरात्रि सेलिब्रेशन इज़ हेयर, दशहरा, देन दीपावली एंड देन अदर फेस्टिवल्स आर हेयर, सो वी नीड टू बी अवेयर अबाउट ऑल दीज फेस्टिवल्स, वी नीड टू हैव और वी नीड टू रिमेन लो एंड वी नीड टू बी विजिबिलिटी शुड बी लो, ओके, सो दैट वी कैन अवेयर और वी कैन सेफ इन आर सेल्फ रिगार्डिंग कोविड-19। ओके, so it is all about it. The next health messaging on the dangers of another wave of infection can be infected definitely. एक wave आ सकती है अगर इसी तरीके से जो cases अभी जो lowdown होते चले जा रहे हैं, slow down होते, ये ultimately जाते जाते फैब में मिनिमम हो जाएंगे, लेकिन अगर इसी तरीके से केसेस बढ़ते रहे और इसी तरीके से फेस्टिवल सेलिब्रेट हुए अगर ऑल ऑफ सडन, तो एक ऑल ऑफ सडन स्पाइक नज़र आएगा जिसे कंट्रोल करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो सेकंड स्पाइक जो है वो हम क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये जो स्पाइक अप होने वाला है उससे खुद को और कंट्री को बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए गवर्नमेंट ने स्पेशल नोटिफिकेशन जारी किए हैं और जल्द ही How we have to celebrate and how we should celebrate the festivals, ये इस तरीके का कैंपेन भी चलाया जाएगा, and even we also should participate in all these type of activities. Okay, so it is all about it. The next is, you can see here how it was in 2019 and how it should be in 2020. So it is all about it and it should be like this only, because somewhere it is our safety only, it is not anyone else's safety. Okay, the next is return of the socialist, it is also the part of our editorial section on the victory of Evo Morales
पार्टी इन बोलीविया, बोलीविया में इवो मोराल की पार्टी के जीत को जो है यहाँ पे डिस्कस किया गया है। बोलीविया पॉइंट टू एन एम्फेटिक विक्ट्री फॉर द फॉर्मर प्रेसिडेंट इवो मोराल्स मूवमेंट टूवर्ड सोशलिज्म पार्टी MAS पार्टी जो है वो उसकी जीत हासिल उसने जीत हासिल की आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड ऑलमोस्ट अ ईयर आफ्टर ही वॉज आउटस्टेड बाई प्रोटेस्टर्स एंड मिलिट्री। मिलिट्री और प्रोटेस्टर्स द्वारा उन्हें आउटस्टेड भी किया गया है। उसके करीब एक साल बाद में फाइनली अपनी जीत को हासिल किया है बोलीविया के अंदर MAS पार्टी ने। वाइल द ऑफिशियल रिजल्ट विल नॉट बी अनाउंसड फॉर द डेज एग्जिट पोल्स और इंडिपेंडेंट काउंट्स जो है उसके बेसिस पे कहा जा रहा है कि जो बोलीविया है उसमें MAS पार्टी अपने आप को प्रूव कर चुकी है। ऑफिशियल रिजल्ट्स अभी अनाउंस नहीं हुए थे, उससे पहले ही ये सारे डेटा जो है आउट कर दिए गए थे। दिस इज एज मच अ विक्ट्री फॉर मिस्टर मोराल्स बोलीवियाज फर्स्ट इंडिजीनियस लीडर। बोलीविया के फर्स्ट इंडिजीनियस लीडर है मिस्टर मोराल्स, उनकी जीत है, उनकी पार्टी की जीत होना। मिस्टर आरसे एंड मिस्टर मोराल्स लेफ्ट द कंट्री फर्स्ट फॉर द मेक्सिको दैन फॉर अर्जेंटीना आफ्टर द जनरल्स आस्क्ड हिम टू स्टैंड डाउन इन नवंबर 2019। सिंस दीज जेनियन एनेस राइट विंग कंजर्वेटिव सीनेटर हैज बीन द एक्टिंग प्रेजिडेंट आफ्टर द बोलीविया के जो फर्स्ट मिस्टर आरसे और मिस्टर मोराल्स के जाने के बाद में अल्टीमेटली मैक्सिको और अर्जेंटीना के लिए जब उन्होंने मूव किया लेफ्ट किया दैन अल्टीमेटली उन्हें जनरल्स द्वारा कहा गया कि आप आइए और ज्वाइन कीजिए नवंबर 2019 में। तब तक जो है सीनेटर रह चुके, कंजर्वेटिव सीनेटर रह चुके जेनाइन एनेस जो है उन्होंने प्रेजिडेंट का रोल प्ले किया। रोलिंग बैक many of Mr. Morales' policies and going after his supporters. So, but MAS mobilized its supporters and fought back. MAS ने mobilized किया और ultimately इसके supporters और जो है काफ़ी आके खड़े हुए और उसी के चलते उन्होंने फिर से अपने आप को लड़ाई जंग के थ्रू establish कर दिया। So ultimately it is all about this article is totally based on MAS party. MAS party और बोलीविया के अंदर Mr. Morales की जीत को यहाँ पे दर्शाया गया है, उनकी जीत के कारण, उनकी जीत की वजह और MAS पार्टी की स्ट्रॉन्ग जो कनेक्टिविटी है या स्ट्रॉन्गनेस है, उसका जो बेस स्ट्रॉन्ग है उसे यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज। द फर्स्ट न्यूज इज बेस्ड ऑन पेपल टू ओपन अप नेटवर्क टू क्रिप्टो करेंसी। पेपल होल्डिंग्स इंक सेड ऑन वेंसडे इट विल अलाउ कस्टमर्स टू होल्ड बिटकॉइंस। पेपल होल्डिंग्स इंक जो है उन्होंने, इस कंपनी ने ये अलाउ किया है कि अपने कस्टमर्स को वेंसडे को उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि हम अपने कस्टमर्स को बिटकॉइन होल्ड करने को, बिटकॉइन होल्ड कर सकते हैं हमारे कस्टमर्स और अदर वर्चुअल कॉइन्स भी जो हैं वो अपने ऑनलाइन वॉलेट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, इवन क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करते हुए शॉप भी कर सकते हैं। एट दिस 26 मिलियन मर्चेंट्स ऑन इट्स नेटवर्क द न्यू सर्विस मेक्स पेपल वन ऑफ द लार्जेस्ट US कंपनीज टू प्रोवाइड कंज्यूमर्स एक्सेस टू क्रिप्टो करेंसीज विच कुड हेल्प बिटकॉइंस एंड राइवल क्रिप्टो करेंसी गेन वाइडर ऑप्शन अडॉप्शन एज वायबल पेमेंट मेथड। वायबल पेमेंट मेथड के थ्रू जो है वाइडर हम कह सकते हैं राइवल क्रिप्टो करेंसी और वाइडर लेवल पे बिटकॉइन को यूज़ करने का अडॉप्शन जो है वो उसके लिए हेल्पफुल होगा। एंड पेपल का ये जो स्टेप है ये लार्जेस्ट US कंपनीज के अंदर आता है एंड इट क्रिएट ग्रेट एक्सेस टू क्रिप्टो करेंसीज एज वेल एज बिटकॉइंस। सो समवेयर द सेंसोस दैट इज कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी होप्स द सर्विस विल एनकरेज ग्लोबल यूज ऑफ वर्चुअल कॉइन्स। वर्चुअल कॉइन्स को ग्लोबल लेवल पे यूज करने और नेटवर्क जनरेट करने डिजिटल करेंसी के थ्रू बैंक्स और सेंट्रल बैंक्स और कंपनीज के बीच में नेटवर्क करेंसी डेवलप करने, डिजिटल करेंसी डेवलप करने और एक नेटवर्क क्रिएट करने के लिए हेल्प करेगा ये, है ना। सो द कंपनी में डेवलप प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव डैन शुलमन सेड इट इन एन इंटरव्यू। डैन शुलमन जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है कंपनी के और प्रेसिडेंट ने ये बताया कि अल्टीमेटली दिस विल, ये जो हमारा वर्चुअल कॉइन्स को लेकर जो फोकस किया है हमने, ये जो नया स्टेप है हमारा, ये एनकरेज करेगा ग्लोबल लेवल पर नेटवर्क कनेक्टिविटी क्रिएट करने में और डिजिटल करेंसी को जो है सेंट्रल बैंक्स और कंपनी के बीच में एक ब्रिज के तौर पे काम में लेने में। सो अल्टीमेटली इट इज़ ऑल अबाउट पेपल होल्डिंग्स। नाउ द नेक्स्ट इज बिहार असेंबली इलेक्शंस आर गोइंग टू बी हेल्ड एंड बीजेपी प्रोमिसेस टू फ्री
कोविड-19 वैक्सीन इन इट्स मैनिफेस्टो। मैं आपको बता दूं, बिहार में असेंबली इलेक्शंस की चर्चा है काफ़ी, और 22 अक्टूबर जो है थर्सडे को रिलीज्ड इट्स मैनिफेस्टो फॉर द असेंबली पोल्स। मैनिफेस्टो रिलीज़ किया है असेंबली पोल्स के लिए बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने, और उसका पहला प्रॉमिस ये रहा है कि कोविड-19 की वैक्सीन आते ही सबसे पहले हम उसे फ्री डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वंस इट इज़ अप्रूव्ड बाय दी ICMR। जैसे ही कोविड-19 की वैक्सीन आती है वो ICMR द्वारा अप्रूव होते ही सबसे पहले हम फ्री वैक्सीन अप्रूव करेंगे, आपको अवेलेबल करवाएंगे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, जिन्होंने मैनिफेस्टो रिलीज़ किया है पटना के अंदर, उन्होंने कहा एज सून एज कोविड-19 वैक्सीन विल बी अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन एट अ मास स्केल एवरी पर्सन इन बिहार विल गेट फ्री वैक्सीन। जितनी जल्दी हो सकेगा, जैसे ही कोविड-19 का मास लेवल पर जो है स्केलिंग स्टार्ट हो जाएगा, मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, उस लेवल पर हम बिहार को फ्री में वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाना, हर इंसान को अवेलेबल करवाएंगे। दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉमिस मैंशनड इन आर पोल मैनिफेस्टो। हमारे पोल मैनिफेस्टो के अंदर सबसे पहले मैंशन किया गया ये प्रॉमिस है, ऐसा मिस सीतारमन ने कहा है। Did not take any question on the issue, इस इशू के ऊपर किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा, और ना ही फ्री फैसिलिटी को लेकर के कोई इलेक्टोरल प्रॉमिस इसलिए किया जा रहा है कि जिससे कि इलेक्शंस जो है विन किए जा सके, ये फ्री फैसिलिटी को लेकर के। इट इज़ जस्ट फॉर आर कंट्री एंड इट इज़ जस्ट फॉर द रीलिंग ऑफ और रीलिंग फ्रॉम द पेंडेमिक। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। बिहार का असेंबली इलेक्शन हमने डिस्कस किया और पेपल को डिस्कस किया, एज वेल एज हमने दो आर्टिकल्स जो है बोलीविया के इलेक्शंस को, और उसी के साथ में हमने कोविड-19 से रिलेटेड जो क्रूशियल सीजन है उसको यहाँ पे डिस्कस किया है। उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आई है। इसी तरीके से हम आगे भी जो है लेंगे आर्टिकल्स को, इवन डिफरेंटली पार्टिसिपेटेड या डिफरेंटली हम कह सकते हैं डिवाइडेड जो है आपके सेक्शंस को लिया जाएगा। इससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है साइंस और टेक्नोलॉजी की, जो कि आज की न्यूज़पेपर में थी, वो मैं आपको इंडिविजुअली डिफरेंट वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवाऊंगी हमारे लक्ष्य के सेशन के अंदर। लक्ष्य UPSC CSE जो हमने नया सेशन ऑर्गेनाइज किया है, जिसके अंदर हम आपको टू द पॉइंट प्रोग्राम के तहत बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट टू पॉइंट जो है आपके पास में न्यूज़ आएगी, अवेलेबल होगी, और उस न्यूज़ को आप ईजीली नोट डाउन कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। बहुत ही कम मिनट्स के अंदर, कम टाइम के अंदर आपको ईजीली चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो इस प्रोग्राम को ज़रूर फॉलो कीजिए हमारे, जिसके अंदर हम NDMA ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आज का हमारा जो वीडियो होगा वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर बेस्ड होगा, सो डोंट फॉरगेट टू गो थ्रू इट, यू विल डेफिनेटली एन्जॉय इट, एंड डेफिनेटली आपने ये वीडियो भी एन्जॉय किया है। और इसी तरह के आपको डेली प्रेजेंटेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल हो जाएगी, AchieveIAS एडियो मंडला पर, और इसके अलावा यही प्रेजेंटेशन आपको हमारे AchieveIAS की वेबसाइट पे भी अवेलेबल हो जाएगी। सो डोंट फॉरगेट टू गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स, जितना स्टफ मिल रहा है प्रिपेयर करो, रेडी करो, इकट्ठा करो, जिससे कि आप UPSC CSE मेंस जो आपका UPSC मेंस जो है 2020 का और 2021 का जो प्रीलिम्स है उसे क्लियर कर सकें। सो डोंट फॉरगेट टू गो थ्रू इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।